हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे तो हो मैं कहे ना कोई। नानका हो मैं हुक्मे कहे ना कोई। हुक्म से रोता है कोई, हुक्म से गाएगी। हुक्म से रूठा है कोई, हुक्म से होए प्रीत। नानका हुक्म से होए प्रीत। हुक्म से सतगुरु मिले आ, हुक्म से सतगुरु ज्ञान। हुक्म से सतगुरु बोले आ, हुक्म ही हुक्म पहचान। नानका हुक्म ही हुक्म पहचान। हरिओम। ये सब उसके हुक्म से ही उत्पन्न होता है। उसके हुक्म के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। प्यारे बच्चों, जीवों की उत्पत्ति हुक्म से होती है। कोरोना महाराज उसके हुक्म से आते हैं। सत्संग हाल उसके हुक्म से खुले थे, सत्संग हाल उसके हुक्म से बंद हुए हैं जब हमने उसको सस्ता ले लिया। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कहीं उसके हुक्म से हमें सत्संग हाल दिखाई देता है, शोक उत्पन्न करता है, भागा दौड़ी लगाते हैं। फिर भगवान देखता है मेरे बच्चे बड़ी क्लास में आ रहे हैं, जरा मैं थोड़ा सा परीक्षा तो लूँ, किस रूप में भी ले। लेकिन हम सोए सोए होते हैं उसको परीक्षा ना समझ के, आंटी आंटियाँ या बुआ जी समझ के, चाची जी समझ के नाराज़ होके चली जाती हैं उसके हुक्म से। ये भी उसके हुक्म से। वी आर अंडर वॉच प्यारो, वी आर अंडर वॉच। इवन हम घर में बैठे हैं तो भी अंडर वॉच। द डे मैंने पाँव रखा था सत्संग हॉल में, चुनी गई थी, उस दिन से मैं अंडर वॉच थी। मैं क्या करती हूँ, दूसरा क्या कर रहा है मेरे साथ, वो नहीं, मैं क्या करती हूँ। मेरा शोक कितना है भव सागर पार करने के लिए, जिस जगह पे पहुँचाई गई हूँ मैं। ये भी उसके हुक्म से था। परीक्षाएं उसके हुक्म से आई, परीक्षाओं में फेल उसके हुक्म से नहीं हुए, वो अपनी मन बुद्धि से हुए। उधर मत बोल देना उसका हुक्म था। ये सारे मोह शो उसके हुक्म से नहीं है, ये अपनी मन बुद्धि और अपनी कोई पुरुषार्थ नहीं है। उसके लिए हमें शोक होना चाहिए, सत्य वाले लोगों के संग उठना बैठना। एज द कंपनी सो द कलर। फिर उनका रंग चढ़ जाता है, जो थोड़ी देर के लिए आया था, भगवान का संग मिला था, वो ख़त्म हो गया। फिर 84 लख की योनियों में बार 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 आवागमन उसके हुक्म से फिर हो रहा है। उसके हुक्म से ही कोई नाम की बख्शीश प्राप्त कर मुक्ति पाता है, और उसके हुक्म से ही कोई सदा भटकाया भी जाता है। ये भी उसके हुक्म से। भटकी हुई आत्माएं होती है, एक गुरु, दो गुरु, तीन गुरु, इधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं। अभी चैनल पता नहीं हजारों लोगों का सुनती होंगी, लगाना एक का भी नहीं। क्या हो गया इस संसार को, हर कोई उसके हुक्म के अंदर है, उसके हुक्म के बाहर कभी कोई नहीं हो सकता है। यदि जीव परमात्मा के हुक्म को समझ ले तो फिर तो कोई भी अहंकार के वचन रह ही नहीं सकते हैं। अहंकार तो उसके आसे पासे भी नहीं आ सकता। ही विल बी सो हम्बल, नरम। ये सब उसका कौन गायन कर सकता है? क्या कोई समर्थ है जो उसका गायन कर सके, कोई उसके बल का गान गा सके? वह महाबलवान है,
उसके दान को कौन गा सकता है, उसके चिन्ह को कौन पहचान सकता है, उसके गुणों और श्रेष्ठ महिमा का गायन कौन कर सकता है। जिसने मिट्टी से मनमोहक शरीर की रचना की है, उसके द्वारा प्राण लेने तथा जीवन देने का गान कौन कर सकता है। वह दाता देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है। लेने वाले याचक लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन वह नहीं थकता। युगों युगांतरों से जीव खाते आ रहे हैं, हुक्मे प्रभु ने अपने हुक्म से सब के लिए रास्ता बना दिया है, जिस पर वह स्वयं सब कुछ ला रहा है। इतना दान देते हुए भी वह बेपरवाह बादशाह है और अपने विकसित सौंदर्य में सदा अत्यंत प्रसन्नचित रहता है। हम दो बच्चे और घर में पालते पालते क्या हालत हो जाती है, वो पूरी दुनिया को। ये एक सूर्य थोड़ा है, कई लोक ब्रह्मांड ऐसा है जहाँ से 200 साल लगते हैं एक सूरज की किरण आने को धरती पे। कितने हजारों सूर्य हैं, ब्रह्मांड हैं, कब खोज करनी थी हमने। ब्रेकफास्ट लंच डिनर से नहीं उतरे हैं, बस किचन तक ही रह गए। इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी गुरु उसके हुक्म से मिला और हम कहाँ तक रह गए। कोई परहेज नहीं था, आज पता नहीं कल है नहीं है क्या है, और फिर भी हम उसको नहीं पहचाने। समर्थता है हमारे अंदर। अगर मैंने अपने को पहचान लिया, शीशे में देखो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उन आँखों को देखो शीशे में, कोई और दिखाई देगा आपको? आप ये शरीर नहीं हो, ये नाक, ये कान, ये आँख, ये सब नहीं हो। वो अपनी ही आँखों से शीशे में देखना वो कौन है आपके अंदर बैठा हुआ। वो पंछी उड़ जाता है, पिंजरा रह जाता है, इधर ही उसको उठा के शमशान में ले जाते हैं। क्या है ये खोज है? क्या सतगुरु आके हमारी बुद्धि के ताले खोलता है? उसके हुक्म से होता है ये भी। कौन है हम? ये मैं अभी कौन बोल रही हूँ? डेड बॉडी तो नहीं बोलती है, ये भी वही बुलवा रहा है। हम कौन होते हैं? पिंजरे में पंछी पड़ा है, कब उड़ जाएगा? चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। चली उड़ जा रे पंछी, ये अब जे देश हुआ बेगाना। कितने लोगों के लिए देश बेगाना हो गया इस कोरोना समय में। चले गए, घर खाली हो गए, बेड खाली हो गए, जो हमें इतना भारी लगता था उनके होने से। आज क्या है? नामो निशान नहीं, तरसते रहोगे, कोई नहीं दिखाई देगा, मिलेगा नहीं। और जब थे तो हम तंग आ जाते थे, हम क्या करते हैं? इसलिए भगवान ने बोला, इंतजाम करो, इंतजार नहीं करो। ये सब क्या है? अभी तो खुली आँखों से सामने दिखाया जा रहा है। ये कलयुग का उसके हुक्म से पहला चरण है प्यारो। अभी भी थोड़ा धर्म बचा है, आपकी जैसी आत्माएं हैं तो ये बचा हुआ है। फिर दूसरा चरण क्या होगा कलयुग का, तीसरा क्या होगा, चौथे चरण के बाद जहाँ भागवत में 2.5 साल की लड़की माँ बनेगी वो बताया गया है। गाय के थनों से दूध नहीं खून निकलेगा, आकाश से हड्डियाँ गिरेंगी, ये भागवत में कितने सालों पहले लिखा गया है। आज तो पहचान ले सब, किस नाल करां दोस्ती, कितना किस नाल करां दुश्मनी में, किस नाल, कौन है दूसरा? अभी दूर से ही सब करना है, प्यार कर लो। जितना बड़ा दुश्मन आपको लगे उससे तो हजारों माफियां ले लो, खत्म करें काम। हमने तो काम खत्म कर दिया, दूसरा भले रखे, हम तो वापस नहीं आएंगे ना। हुक्म है, हुक्म को पहचानो। कोरोना के समय उसके हुक्म को पहचानो। कितनी अच्छी अच्छी आत्माओं को ले गया है वो, अच्छी आत्माएं ले गया है, बहुत अच्छी आत्माएं ऊपर गई हैं, दूसरी सब नीचे बैठी हैं। क्या करेगा इनकम्प्लीट साउल्स को? हम पूर्ण होने के लिए गुरु के पास आए थे, जो अधूरे हैं उनको रखा हुआ है। पता नहीं किस जन्म में हम पूर्ण होंगे फिर। हुक्मे अंदर हर कोई, हुक्मे बाहर ना कोई। प्यारो अभी इस हुक्म से ही पता नहीं कब सत्संग हाल खुलेंगे।
कब टेक्नोलॉजी भी बंद हो जाए, सब हो जाए, उसके हुक्म से क्या बचेगा। एक ही दिन में फ़ायदा उठा लिया करो, कल का मत सोचा करो कि कल फिर आएगा तो देखेंगे। खूब सारे खूब सारे खूब सारे आशीर्वाद आप सारे भगवान जी के प्यारे बच्चों को। हरिओम हरिओम।